बरसाते सीरियल में रियांश और आराधना के वीडियो वायरल होने के बाद दोनों के बीच दूरियां आ गई हैं। रियांश का फायदा आराधना से, क्योंकि उसे लगता है कि आराधना ने ये सब किया है, पर ये सब तो रियांश के एक्स एम्प्लॉय ने किया था और उसकी सज़ा मिली थी आराधना को, जिसने न जाने क्या क्या नहीं सहा। रियांश की नाराजगी सही, पापा की बेरुखी सही, समाज के लांछन सही, जिन्हें गलत साबित करने के लिए आराधना ने आवाज़ें उठाई, सबसे लड़ी, डर कर नहीं रही, अपने लिए लड़ी, पर सबने उसे गलत ही समझा। लेकिन अब आराधना के इम्तिहान खत्म होने वाले हैं, उसने जितनी परीक्षा देनी थी अब दे दी। अब साबित हो जाएगा कि आराधना बेकसूर है, क्योंकि रियांश के सामने इस घटना के पीछे का असली आरोपी सामने आ जाएगा। जी हाँ, रियांश को पता चलेगा कि रियांश को बदनाम करने के लिए उसके एक्स एम्प्लॉय ने ये सब किया है, और ये सब सामने आने के बाद रियांश पहले तो उस शख्स को मारेगा और उसे जेल भेजेगा, फिर वो अपने किए पर पछताएगा जो उसने आराधना के साथ किया। उसे अपने किए पर गुस्सा आएगा कि एक प्यार करने वाली लड़की के साथ उसने ऐसा किया, जिसके चलते वो उसी वक्त आराधना से माफ़ी मांगने जाएगा। बड़ी मुश्किल से वो इससे मिलेगी, पर रियांश की माफ़ी स्वीकार नहीं करेगी, बल्कि उसे वहाँ से बातें सुनाकर भेज देगी और वो भी मायूस होकर निकल जाएगा। पर वो हार नहीं मानेगा और उसे मनाने के लिए कई कोशिशें करेगा, पर उसमें नाकाम रहेगा, क्योंकि आराधना इतनी आसानी से नहीं मानेगी, क्योंकि रियांश ने जो कुछ भी किया है आराधना के साथ वो इतनी जल्दी माफ़ी के लायक नहीं है। उसने इनके दिल पर गहरी चोट मारी है जो इतनी आसानी से नहीं जाएगी। अब देखना ये होगा कि कब तक ये सब चलेगा, अब दोनों के बीच दूरियाँ कैसे कम होंगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या माफ़ कर देगी आराधना रियांश को? कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही से तमाम खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।